वैसे तो साउथ इंडियन खाना काफी लोगों को पसंद आता है, लेकिन प्रयागराज में डोसा का भी एक अपना ही क्रेज है। बालसन चौराहे पर पार्वती हॉस्पिटल के सामने मेडिकल डोसा के दीवाने तो प्रोफेसर और डॉक्टर भी हैं। 70 रुपए से शुरू हुए डोसा की कीमत भले ही अब 60 रुपए जा पहुंची हो, लेकिन इसके स्वाद की मिठास आज भी लोगों के जुबान पर बनी हुई है। दुकान के मालिक रोहित ने बताया कि हमारी शुद्धता और स्वच्छता ही हमारे दुकान की पहचान है। इतने कम मूल्य में शायद ही पूरे प्रयागराज में इतना बेहतरीन डोसा खिलाता होगा। हमारे दुकान में डोसा के अलावा दही बड़ा खूब प्रसिद्ध है। कई जिलों से ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लोग दही बड़ा का स्वाद लेने हमारे दुकान पर आते हैं। इसे खाने के बाद ग्राहक पदार्थ की खूब तारीफ करते हैं और इस बाबत हमारा मन भी गदगद हो जाता है। किसी भी पदार्थ को बनाते वक्त हम दो चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं, यानी जो भी रसायन का उपयोग होता है वह स्वास्थ्य के प्रति बेहद संवेदनशील होता है, यानी हम जिन भी मसालों इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं वह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक होता है। रोहित ने बताया कि डोसा खाने के लिए मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्र खूब आते हैं, वहीं संगम माघमेला आदि पर्यटक भी हमारे डोसा का लुत्फ उठाने के लिए भरपूर आते हैं। डॉक्टर भूपेश गुप्ता ने बताया कि जब हम डोसा खाते थे तब यह 17 रुपए का मिलता था और आज भी ये वही स्वाद बरकरार है जो 10 साल पहले था। प्रयागराज में जब भी डोसे की बात होती है एक नाम हमेशा याद किया जाता है, मेडिकल चौथे वाला डोसा। ये वही डोसा है जिसके दीवाने प्रोफेसर से लेकर के मेडिकल कॉलेज के डीन तक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेडिकल डोसा वाले के ओनर रोहित जी, जो हमें बताएंगे कि क्या खासियत है इस दुकान की, कैसे युवा विद्यार्थी सब इनकी दुकान में पीछे चले जाते हैं। रोहित जी, सर हमारे यहाँ की शुद्धता और उसकी गुणवत्ता बहुत ही मायने रखती है और हमारे पास सभी प्रांत से लोग आते हैं और युवा भी आते हैं सभी तरीके के, और यही बात है कि हमारा डोसा इतना फेमस होता है और एक बार जो भी लोग हमारे यहाँ आता है वो हमारी ओर खींचा चला आता है। सबसे मतलब आपके दुकान में सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है, सबसे मतलब डोसा तो बिल्कुल इसके अलावा भी कोई ऐसा उत्पाद है जिसको लोग बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं? दही बड़ा हमारा बहुत पसंद करते हैं लोग। अच्छा। दही बड़ा दूर दूर प्रांत के जहाँ से भी लोग आते हैं हमारे दही बड़ा को एकदम टॉप पे बना के जाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं भारत के उत्पाद के शौकीन हैं उनके लिए क्या संदेश है? संदेश यही देना चाहते हैं कि एक बार हमारी शॉप पर आएँ और यहाँ का जायका का आनंद लें। यहाँ का जायका बिल्कुल अलग होता है, हमारे यहाँ सभी जगहों से अलग जायका यहाँ का मिलता है। इन उत्पादों को आप स्वयं से बनाते हैं या फिर बाहर क्या कैसे खुद से सब्जी बनाते हैं जो भी रॉ मटेरियल लगता है, कैसे सब्जी क्या बनाते हैं? जी जी,